जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया काम भी खो देता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह व्यक्ति जीवन में असीमित प्रगति करता है और ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो आपके बुरे दोस्त हैं उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो अच्छे दोस्त हैं उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी जरूर मिलेगी। जो इंसान हमेशा अपने दुखों का रोना रोता है उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। दुख ऐसी पिशाच है जो ज्ञान और बल दोनों को निगल जाती है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। किसी के सर्वनाश के तीन कारण हैं। पहला, दूसरों के धन की चोरी करना। दूसरा, दूसरों की पत्नी पर बुरी नज़र। और तीसरा, अपने ही मित्रों के चरित्र और अखंडता पर शक करना। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना सुख और समृद्धि का आधार होता है। उदासी अत्यंत बुरी चीज़ होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता होना। वेल दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और हाँ, इस प्रकार की और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा।